दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मुंबई से गोवा कोर्डेलिया क्रूज ट्रिप की सारी जानकारी दूंगा। यदि आप कोर्डेलिया क्रूज मुंबई से गोवा ट्रिप की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ग्यासुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं ओशियन ट्रिप। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ घूमने से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई से गोवा के लिए कोर्डेलिया क्रूज में तीन तरह के पैकेज हैं, 2 नाइट, 3 नाइट और 5 नाइट पैकेज। इसके अलावा कोर्डेलिया क्रूज में आप 2 नाइट से लेकर 7 नाइट तक का आप पैकेज बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कोर्डेलिया क्रूज में क्या क्या फैसिलिटी है। इस क्रूज में 11 डेक हैं, खाने के लिए फूड पवेलियन और स्पेशल रेस्टोरेंट हैं, पीने के लिए बार और फिटनेस के लिए स्पा और सैलून और जिम हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट के लिए इस क्रूज में कैसीनो, रॉयल थिएटर, लाइव बैंड और इतना ही नहीं, शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग सेंटर भी है। इस क्रूज में आपको इंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो आपके ट्रिप को यादगार बना देंगी। 2 नाइट मुंबई टू गोवा पैकेज में यात्रियों को पहला दिन डिपार्चर से 4 घंटे पहले बोर्डिंग करना होता है। यह क्रूज मुंबई पोर्ट से करीब शाम 6 बजे रवाना होती है। एक बार बोर्डिंग होने के बाद आप ड्रिंक लेते हुए क्रूज डेक पर चारों ओर घूमकर खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। फिर शाम को आप किसी भी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए म्यूजिक शो को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर के बाद आप पियानो, कैसीनो, डांस बार, डिस्को और पूरी रात डीजे आदि में एंजॉय कर सकते हैं। सुबह होने के बाद आप जिम, स्विमिंग पूल और बेहतरीन ब्रेकफास्ट के साथ अन्य एडवेंचर गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। दिन में 11 बजे के करीब आप मोरमू गांव गोवा पहुंच जाएंगे। उसके बाद खूबसूरत बीचों का आनंद लेते हुए आप वहां के खूबसूरत जगहों पर घूम सकते हैं। फिर शाम को 6 बजे के करीब क्रूज गोवा से मुंबई के लिए रवाना होगी और आप पूरी रात कोर्डेलिया क्रूज पे इंजॉय करते हुए सुबह आप मुंबई पहुँच जाएंगे और यहीं से आपका खूबसूरत ट्रिप खत्म हो जाएगा। अब बात आती है मुंबई से गोवा कोर्डेलिया क्रूज की टिकट प्राइस कितना है। तो दोस्तों, यदि आप 2 नाइट मुंबई टू गोवा क्रूज का राउंड ट्रिप पैकेज लेते हैं तो इसमें इंटीरियर स्टैंडर्ड का कॉस्ट लगभग 36,595 प्रति व्यक्ति लगेगा। इसमें आपको इंटीरियर स्टैंडर्ड केबिन मिलेगा। इस पैकेज में मील्स इंक्लूडेड है और बार और सैलून कैसीनो का अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। इस क्रूज पे आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जैन और सभी तरह के खाना आपके पसंद के हिसाब से मिल जाएगा। इस क्रूज पे आप बाहर से खाना या ड्रिंक नहीं ले जा सकते, यह वहाँ पे अलाउड नहीं है। पैकेज में 12 साल तक के बच्चे का कपल्स के साथ एंट्री फ्री है। इस क्रूज में वाईफाई की सुविधा भी अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना होता है। इस क्रूज पे आप रुपया और डॉलर दोनों करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको एक की कार्ड मिलता है जिसमें आप पैसा रिचार्ज करके खरीदारी करने के लिए स्वाइप कर सकते हैं। कार्ड में अगर पैसा बच जाता है तो रिटर्निंग में आपको पैसा वापस दे दिया जाता है। अब बात आती है क्रूज का बुकिंग कैसे करें। तो दोस्तों, बुकिंग आप ऑनलाइन या ट्रेवल एजेंट से भी करा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ऑनलाइन खुद बुक कर लें। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप कोर्डेलिया क्रूज के वेबसाइट पे जाकर भी बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रेट ज़्यादा शायद लग सकता है, इसलिए बुकिंग के लिए बेस्ट वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बुकिंग करने के लिए आप easymytrip.com वेबसाइट ओपन कर लें। उसके बाद मेनू बार पे क्रूज का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना डेस्टिनेशन चुनें। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करें, पैकेज का ड्यूरेशन और कितने लोगों के लिए पैकेज चाहिए सेलेक्ट करने के बाद क्रूज सेलेक्ट करके सर्च कर लें। आपके पास सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद डिपार्चर डेट और केबिन सेलेक्ट कर लें। फिर आपके सामने उस डेट का कॉस्ट आ जाएगा। फिर सारी डिटेल्स फिल करके बुकिंग कंप्लीट कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।